आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और वह खुलेआम वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। वहीं अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप भी पुलिस पर लगातार लग रहे हैं। ताजा मामला नरसिंहपुर के करेली थाना क्षेत्र अंतर्गत बटेसरा स्थित होटल शिवांश का है, जहां बीती रात आरोपियों ने होटल संचालक मुकेश रघुवंशी से खाने पीने का सामान पैक कराया और जब होटल संचालक ने पैसों की मांग की तो कट्टा दिखाकर पहले तो होटल संचालक को होटल से बाहर निकाल कर जमकर मारपीट की। क्या मामला है? करेली थाना में PI साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या हुआ? गोली चली थी। कहाँ चली थी, क्या हुआ पूरा मामला? होटल बटेसरा ढाबा, होटल शिवांश। क्या हुआ था वहाँ पे, किन लोगों की गोली चली थी? पौने 2 बजे करीब आए नरसिंह करेली से, करेली साइड से। इन्होंने पार्सल कराया खाना, शराब पी, पैसे इन्हें दिए नहीं, हमने पैसे मांगे, इन्हें बंदूक निकाल ली, फिर कासकोराव मैगवा और अपना सोनी मुकेश शर्मा गाड़ा वाला, और 3-4 लोग और थे जिनका अपन नाम नहीं जानते। तो क्या हुआ, पैसे मांगने पर क्या किया? मैंने बंदूक निकाल ली, फायर नहीं किया, हमने कहा पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने फिर गाड़ी पहुंची, गाड़ी में हमको खींचा, मतलब यहाँ से खींच के ले गया ढाबा से बाहर खींचा, तो उन्होंने फायर किया, लगी हाथ में गोली, उसके बाद डंडे से उससे बाहर किया, पीठ में वही बार दिखा रहा है। आपके भाई के भी साथ मारा? भाई, हाँ भाई साथ भी पेट की सो रहे थे, मेरे को पता चला कि झगड़ा हो गया, उठ गया बाहर। क्या नाम है आपका? मुकेश रघुवंशी। और जैसे ही उनके भाई होटल के अंदर से बाहर आए तो उन पर भी लाठी डंडों से वार किया गया। होटल का स्टाफ दोनों मालिकों को बचाने आया तो आरोपियों ने कट्टे से फायर कर दिया। गोली होटल मालिक मुकेश रघुवंशी की कलाई पर जा लगी और वहां अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इतने में आरोपी जान बचाकर मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। हालांकि आरोपी द्वारा अंजाम दी गई यह सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। के पास गोलीकांड हुआ है, उनके कुछ फुटेज भी सामने आए हैं और पीड़ितों ने भी आके आज शिकायत की है। ये करेली वाले मामले में जो है FIR रजिस्टर ऑलरेडी हुई है। आज जो तथ्य संज्ञान में डाले गए हैं उनको संज्ञान में लेके और उनको जांच में सम्मिलित करके कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, अपराधी खुलेआम बंदूक चला रहे हैं, ढाबे में गोलीकांड हुआ है, ये जांच इसकी की जाएगी कि चोट कैसे लगी है और क्या कारण रहा उसमें, और जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।